हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्पायरिंग एयर कॉन्टैक्ट पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ICAR एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर आपको यह मालूम नहीं है, अगर आपको BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप यहाँ पे एडमिशन लोगे ICAR के थ्रू, तो यहाँ पे जो भी फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा, अगर आपको पता नहीं है तो इस वीडियो में यहाँ पे बताया जाएगा कि हॉस्टल चार्जेज आपको कितने पे करने पड़ेंगे इस कोर्स में, और हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा किस यूनिवर्सिटी में कितनी फ़ीस है, कितनी हॉस्टल चार्जेज हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरी बात है दोस्तों, वो जो कैटेगरीज़ हैं, ठीक है, जो आपकी जो सीट्स हैं, ठीक है, जो आपकी सीट्स हैं ICAR के थ्रू, हर एक यूनिवर्सिटी में कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस होंगी। सिर्फ यहाँ पे BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर कोर्स के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले दोस्तों, अगर मैं बताऊँ आपको यहाँ पे BSc हॉर्टिकल्चर कोर्स के बारे में, तो इस वीडियो में बताऊँगा, लेकिन अगर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात करूँ, इससे पहले मेरी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गई है, उसमें मैंने BSc एग्रीकल्चर कोर्स के ऊपर वीडियो बना दी है कि जो भी ICAR से अफिलेटेड ऑल इंडिया में कॉलेजेस हैं उसमें कितनी फीस है, हॉस्टल चार्जेस कितने हैं, और हर एक कॉलेज में कितनी वहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं कैटेगरी वाइज वहाँ पे बताई गई है। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है, सो प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे जो आपका BSc हॉर्टिकल्चर कोर्स, इसके बारे में बात की जाएगी। जो यहाँ पे मैं फ़ीस स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ, यह 2019 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर मैं 2021 की बात करूँ तो यहाँ पे जो फ़ीस स्ट्रक्चर है आपका अप्रॉक्स इतना ही रहता है। अगर यहाँ पे थोड़ा वेरिएबल होगा तो 1000 या 2000 के बीच का यहाँ पे ऊपर नीचे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी बातें की जाएगी, तो वीडियो को एंड तक कंटिन्यू देखें। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं बताऊँगा जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो सबौर बिहार में, ठीक है, यहाँ पे जो SC की सीट्स हैं, ठीक है, 1 सीट है, 0 सीट ST से हैं, OBC से कोई भी सीट नहीं है, जनरल की 3 सीटें हैं, टोटल यहाँ पे दोस्तों 4 सीटें अवेलेबल है। अगर मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, 13,020 रुपये यहाँ पे पर ईयर आपकी फ़ीस है, यहाँ पर ईयर फीस बता रहा हूँ, और इसके साथ हॉस्टल चार्जेस भी इसी में ही है, ठीक है, हॉस्टल चार्जेस इसी में है। अगर मैं खाने का बताऊँ, खाने का आपको, फूड का आपको अलग से यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि फूड जो खाना है आपको, आपका उसका क्या होता है, हर साल चार्जेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जो कि इम्फाल मणिपुर में, ठीक है, यहाँ पर SC से 1 है, ST से 1 है, OBC 2 है, जनरल की 5 है, और यहाँ पे टोटल सीट्स दोस्तों 10 है, यानी कि 10 सीट्स टोटल इस यूनिवर्सिटी में है। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, 11,160 रुपये पर ईयर फीस है, खाने का आपको अलग से पे करना पड़ेगा, जो फूड है आपका उसको अलग से पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ, हॉस्टल चार्जेस इसी में ही इंक्लूड है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार, ठीक है, तो इसमें SC से 5 सीट्स हैं, 2 सीट्स यहाँ पे ST से हैं, OBC से 8 सीट हैं, जनरल के यहाँ पे 15 सीट्स हैं, और टोटल यहाँ पे 33 सीट्स हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो 24,310 पर ईयर यहाँ पे फ़ीस है, ठीक है, 24,310 रुपये पर ईयर यहाँ पे फ़ीस है, और यहाँ पे हॉस्टल चार्जेस भी इसी के साथ हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फूड चार्जेस की, तो खाने का आपको यहाँ पे अलग से पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात की जाएगी डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, जो कि सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों, ठीक है। इसमें SC से 1 सीट है, ST से 1 है, OBC से 0 है, और जनरल की 6 हैं, टोटल यहाँ पे 8 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी की बात करूँ, जो YS परमार यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी का एक अलग से इंट्रांस एग्जाम कंडक्ट होता है BSc हॉर्टिकल्चर कोर्स के लिए, और BSc फॉरेस्ट्री और BTech बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के लिए कंडक्ट होता है इंट्रांस एग्जाम, ठीक है। अगर मैं बात करूं, इस यूनिवर्सिटी का एक अलग से इंट्रांस एग्जाम कंडक्ट होता है, लेकिन इस बार 2021 में जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है वह कंडक्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो सीट्स हैं, तो यहाँ पे जो सीट्स हैं वो ICAR के थ्रू यहाँ पे सारी क्या होगी, फिल की जाएगी, ठीक है। ICAR के थ्रू यहाँ पे सीट्स फिल की जाएगी इस यूनिवर्सिटी की, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। वहाँ पे मैंने बताया है कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है, सारी सीट्स के बारे में बताया है। तो जितनी भी वहाँ पे SC की हैं, ST की है, OBC की है, और जितनी भी जनरल की है, ठीक है, सीट्स हैं, वो सारी की सारी ICAR एग्ज़ाम के थ्रू वहाँ पे फिल की जाएगी, ठीक है। तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो इसकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है दोस्तों, 67,500 रुपये पर ईयर फीस है, विद हॉस्टल चार्जेस, विदाउट फूड चार्जेस, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की, ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है, इसमें SC की 1 है, ST की 1 है, OBC की 0 है, जनरल की 7 है, टोटल दोस्तों 9 सीट्स हैं, 9 सीटें हैं। अगर यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, 76,800 रुपये पर ईयर फीस यहाँ पे टोटल फीस है, हॉस्टल चार्जेस भी इसी के साथ है, और खाने का दोस्तों आपको यहाँ पे जो फूड चार्जेस है उसका आपको अलग से यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में है,
ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक सीट एससी से एसटी से एक है, 0 यहाँ पे ओबीसी है, 7 यहाँ पे जनरल है, 9 टोटल है, ठीक है। इसकी छाया से मैंने बात कर दी है। 76,008 रुपये यहाँ पे पर ईयर फीस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसके बारे में बता दिया है। यहाँ पे डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे 4 सीट एससी से हैं, एसटी से 2 हैं, ओबीसी की 0 हैं, जनरल की 24 है, टोटल यहाँ पे 30 सीट हैं हॉर्टिकल्चर कोर्स में, ठीक है। अगर मैं फीस की बात करूँ 51,778 रुपये पर ईयर यहाँ पे फीस है, विद हॉस्टल चार्जेस, विदाउट फूड चार्जेस, खाने का आपको यहाँ पे अलग से पे करना पड़ेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है RLBCAU झांसी यूपी जो कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 7 यहाँ पे आपकी एससी से हैं, एसटी से 2 हैं, ओबीसी से 9 है और जनरल की 15 है, टोटल 33 है। 4,280 पर ईयर यहाँ पे फीस है, विद हॉस्टल चार्जेस और खाने का आपको फूड का यहाँ पे अलग से आपको पे करना पड़ेगा इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ठीक है, जो राजमाता जो कि ग्वालियर में स्थित है, मध्य प्रदेश में है, राजमाता विजया जी एससी इंडिया कृषि विश्वविद्यालय जो है दोस्तों, इसमें एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 0 है, जनरल की 4 हैं और टोटल यहाँ पे 6 सीट्स हैं। 22,450 पर ईयर फीस है, विद हॉस्टल चार्जेस और खाने का आपको अलग से यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। 3 यहाँ पे एससी से हैं, एसटी से 2 हैं, ओबीसी की 0 हैं, जनरल की 18 हैं, टोटल 23 है और फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ दोस्तों 55,810 रुपये पर ईयर यहाँ पे फीस है और खाने का आपको फूड का अलग से पे करना पड़ेगा। हॉस्टल चार्जेस दोस्तों आपके इसी में ही इंक्लूड हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, 2 सीट्स एससी से हैं, एसटी से 1 हैं, ओबीसी से 0 हैं, 11 जनरल की हैं, 14 सीट्स यहाँ पे टोटल हैं। 48,400 रुपये यहाँ पर ईयर आपकी फीस है, खाने का आपको अलग से पे करना पड़ेगा, फूड चार्जेस दोस्तों इस अलग से पे करने पड़ेंगे और हॉस्टल चार्जेस आपके इसी में ही इंक्लूड है, ठीक है। ये पर ईयर फीस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंसेज जो कि शिवमोगा कर्नाटका में, ठीक है। यहाँ पे 3 सीट आपकी एससी से हैं, एसटी से 2 हैं, ओबीसी की 0 हैं, 16 जनरल की हैं, टोटल 21 है, ठीक है। 51,925 रुपये पर ईयर फीस है, ठीक है, और हॉस्टल चार्जेस इसी में है, खाने का आपको यहाँ पे भी अलग से पे करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस एंड साइंसेज जो कि बगलकोट कर्नाटका में, ठीक है। यहाँ पे 11 सीटें आपकी एससी से हैं, एसटी से 5 है, ओबीसी की 0 हैं, 56 यहाँ पे टोटल सीट्स हैं, ठीक है। 56 यहाँ पे जनरल है, टोटल यहाँ पे 72 है, ठीक है। टोटल कितनी है, 72 है, 56 यहाँ पे जनरल की है। तो अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ दोस्तों 57,995 रुपये यहाँ पे पर ईयर फीस है, ठीक है। फूड चार्जेज आपको अलग से पे करने पड़ेंगे, हॉस्टल चार्जेज जो हैं दोस्तों, जो हॉस्टल चार्जेज यहाँ पे रहेंगे वो इसी के साथ इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवसारी जो कि गुजरात में है, 2 सीट एससी से हैं, एसटी से 1 हैं, 0 यहाँ पे ओबीसी हैं, 7 जनरल हैं, 10 यहाँ पे टोटल हैं, 27,400 यहाँ पे पर ईयर फीस है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हॉस्टल का इसी के साथ है, ठीक है, और खाने का आपको दोस्तों फूड का यहाँ पे आपको अलग से पे करना पड़ेगा, ठीक है, फूड का आपको अलग से पे करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी दोस्तों विधान चंद्रा कृषि विश्वविद्यालय मोहनपुर वेस्ट बंगाल, ठीक है। 1 यहाँ पे एससी से हैं, एसटी से 0 हैं, ओबीसी से 0 हैं और जनरल के यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे टोटल सीट्स यहाँ पे 5 हैं, 5 सीटें हैं। 16,225 रुपये यहाँ पे आपकी पर ईयर फीस है, ठीक है, और आपके हॉस्टल चार्जेस भी इसी में हैं, खाने का आपको अलग से यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है, फूड के आपको अलग से पे करना पड़ेगा खाने का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों ये ICR की सीट्स हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो अदर और सीटें हैं यूनिवर्सिटी की वो फिल होगी दोस्तों, जो यूनिवर्सिटी का अलग से यहाँ पे एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू यहाँ पे फिल की जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि कोटा राजस्थान में, ठीक है। 1 यहाँ पे एससी से हैं, एसटी से 0 हैं, ओबीसी की 0 हैं, जनरल की 4 हैं, टोटल 5 है, ठीक है। 37,000 पर ईयर यहाँ पे फीस है और अगर मैं यहाँ पे बताऊँ खाने का आपको फूड का आपको यहाँ पे अलग से पे करना पड़ेगा, हॉस्टल चार्जेस दोस्तों इसी में ही आपके इंक्लूड है, ठीक है, हॉस्टल चार्जेस आपके इसी में ही इंक्लूड है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी CDAU, ठीक है, CDAU दंतीवाड़ा गुजरात, ठीक है। 2 सीट्स यहाँ पे एससी से, एसटी से 1 है, 0 यहाँ पे ओबीसी है, 7 जनरल के है, टोटल 10 हैं, ठीक है। 21,900 रुपये पर ईयर फीस है, खाने का आपको अलग से पे करना पड़ेगा, हॉस्टल चार्जेज आपके इसी में ही इंक्लूड है, ठीक है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में दोस्तों आपको एडमिशन लेनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आगे बंदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि बंदा में, ठीक है। 3 एससी से, एसटी से 1 है, 0 यहाँ पे ओबीसी है, 14 यहाँ पे जनरल की है, टोटल यहाँ पे 18 है। 58,000 पर ईयर यहाँ पे फीस है, खाने का आपको अलग से पे करना पड़ेगा, जो फूड चार्जेस हैं वो अलग से पे करने पड़ेंगे, हॉस्टल चार्जेस दोस्तों इसी में ही आपके इंक्लूड हैं, ठीक है, हॉस्टल चार्जेस जो हैं आपके इसी में ही इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि कोयम्बटूर में है, 3 एससी से, एसटी से 1 है, ओबीसी से 0 है, 15 जनरल की है, टोटल 19 है। 51,200 रुपये यहाँ पर ईयर आपकी फीस है,
ठीक है, ट्यूशन जो आपके यहाँ पे हॉस्टल चार्जेज हैं, ठीक है, जो हॉस्टल का है वो इसी के साथ इंक्लूड है, खाने का आपको, फूड का आपको अलग से पे करना पड़ेगा, ठीक है, खाने का आपको यहाँ पे अलग से पे करना पड़ेगा। जो आपको जो यहाँ पे जो बंदा यूनिवर्सिटी दोस्तों, इसमें 58,000 पर ईयर फीस है, और जो आपकी यहाँ पे जो कोयम्बटूर में है इसकी 51,200 रुपये पर ईयर फीस है, ठीक है। देन नेक्स्ट यूनिवर्सिटी बसंत राव नायक मर्थवाड़ा कृषि विद्यापीठ कृषि नगर, जो कि प्रभानी में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे एक सीट एससी से एसटी से एक है, 0 ओबीसी है, 4 जनरल के, टोटल 6 हैं, 41,450 पर ईयर फीस है, ठीक है। खाने का आपको फूड चार्जेस यहाँ पे अलग से पे करने पड़ेंगे, हॉस्टल चार्जेस दोस्तों आपके इसी में ही इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की, उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कोच बिहार वेस्ट बंगाल में स्थित है। एक सीट एससी से हैं, ओबीसी से एससी से हैं, एसटी से 0 है, ओबीसी से 0 है, जनरल की 4 है, टोटल यहाँ पे 5 सीटें हैं। अगर मैं फीस की बात करूँ, 19,400 रुपये पर ईयर फीस है, खाने के आपको यहाँ पे अलग से पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हॉस्टल चार्जेस दोस्तों आपके जो हॉस्टल के हैं वो इसी में ही आपके इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है, हॉस्टल चार्जेस आपके इसी में इंक्लूड किए गए हैं। देन नेक्स्ट यूनिवर्सिटी डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ कृषि नगर अकोला, ठीक है। एक सीट यहाँ पे एससी से हैं, एसटी से 0 हैं, ओबीसी की 0 हैं, जनरल की 4 हैं, और यहाँ पे 5 सीटें टोटल हैं। 41,050 रुपये पर ईयर यहाँ पे फीस है, खाने का आपको अलग से पे करना पड़ेगा, और हॉस्टल चार्जेस दोस्तों आपके इसी में ही इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कृषि नगर रायपुर चंडीगढ़ में है, ठीक है। इसमें 4 सीटें एससी से हैं, एसटी से 2 हैं, ओबीसी से 0 हैं, 24 यहाँ पे जनरल की है, टोटल यहाँ पे 30 सीटें हैं, 17,960 रुपये पर ईयर यहाँ पे फीस है, ट्यूशन फीस जो आपके हॉस्टल चार्जेज हैं दोस्तों, ठीक है, वो आपको अलग से इसी के साथ इंक्लूड है, और फूड चार्जेज आपको यहाँ पे अलग से पे करने पड़ेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें दोस्तों, डॉक्टर बसंत बाला साहब सावंत कोनक कृषि विद्यापीठ, जो कि दपोली में है। एक एससी से एसटी से 1 है, ओबीसी से 0 है, जनरल की 7 है, टोटल यहाँ पे 9 सीटें हैं। 41,250 यहाँ पे पर ईयर आपकी फीस है, भी हॉस्टल चार्जेस भी इसी में है। खाने का दोस्तों आपको यहाँ पे जो आपके फूड चार्जेस हैं वो आपको यहाँ पे अलग से यहाँ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। ये होगी आपकी हॉर्टिकल्चर कोर्स की बात दोस्तों। इसके बाद अगर मैं बताऊँ, नेक्स्ट वीडियो भी आएगी वो दोस्तों यहाँ पे फॉरेस्ट्री कोर्स के ऊपर आने वाली है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपकी यहाँ पे फिशरी कोर्स के ऊपर आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं अगर बताऊँ, उसके बाद कम्युनिटी साइंस के ऊपर आएगी, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात आएगी, और उसके बाद दोस्तों जो भी अदर कोर्सेज आईसीआर के, ठीक है, उसके ऊपर भी वीडियोस बनी रहेगी, आती रहेगी, ठीक है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि समय समय पर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक को मिलती रहे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आईसीआर को लेके, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, इसी चैनल पे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वहां पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज कीजिए, फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको नोट्स चाहिए, आईसीआर के पीडीएफ चाहिए, क्विज आपने ज्वाइन करना है, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आईसीआर के, तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया गया है, आप जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको हर एक तरह से अपडेट किया जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे तो अपडेट आपको मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। इसी के साथ आगे होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि समय समय पर मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।